वेलकम फ्रेंड्स, संजय किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना के लाई हूँ हनी चिली पटेटो। काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए पटेटो बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह के मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। अब इन सब आलू को हम धो के अच्छे से छीलेंगे। तो देखिए मैंने चारों आलू को काट लिए हैं, मैंने इस तरह के साइज़ दिए हैं इसे। देखिए इस तरह के हमें साइज़ देने हैं। और अच्छे से मैंने इसे पानी में डुबो के रख दिया था ताकि ये काले ना हो। अब हम क्या करेंगे, इन सब का पानी निकाल देंगे। तो देखिए मैंने इन सबको पानी से निकाल लिया है, अच्छे से निकाला है इसे हमने। पानी बिल्कुल भी रहने नहीं देना है, इसे हमें ड्राई जैसा कर लेना है इस तरह से। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इस तरह का हमें रखना है इसे। अब इसमें बड़ा चम्मच इसमें हम मैदा डालेंगे। एक बड़ा चम्मच से हम इसमें चावल का आटा, राइस फ्लोर, वो डालेंगे। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप उसकी जगह एक चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल सकते हैं। अब इसमें हम हाफ चम्मच नमक डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से इस तरह से हाथ की सहायता से मिला लेंगे। मैंने सारे कुछ में मिला लिए सारे फ्लोर को। इसमें मैंने कढ़ाई ली हुई है, फ्राइंग पैन, इसमें मैंने तेल को डाला हुआ है। तेल को हम हल्का सुसुम गरम कर लिया है। अब इसमें जो हमने फ्राइंग्स बनाए थे ना, वो उसमें लपेट के वो इसमें हम डाल देंगे। डाले थे ना इसमें, ये कितने सुंदर से देखिए फ्राई होना चालू हो गया, इनमें कलर आना चालू हो गया है। इस तरह से इसे हम कंटिन्यू फ्राई करेंगे। देखिए हमारे जो पटेटो हैं वो लाल कलर के हो गए, मैंने इसे हल्का ज़्यादा फ्राई किया, ब्राउन कलर का कर लिया इसे। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है, वो उसमें भी कलर आना चालू हो गया है। इसे भी हम मीडियम फ्लेम में रखते हुए इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारे सेकंड बैच भी रेडी हो चुका है, इसे भी हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा जो तीसरा बैच बाकी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये हमारा जो थर्ड बैच था वो भी कंप्लीट हो चुका है, फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए हमने सारा इसको उतार लिया फ्राई करके, और एक बार फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे ताकि और क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमारे ये डीप फ्राई हो चुका है, कितना सुंदर कलर आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से अभी से हम निकाल लेंगे, ऐसे हम प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए इसे मैंने सारे प्लेट में निकाल लिया है, गैस को फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अभी से हम देखिए एक मैंने यहाँ पे पैन लिया हुआ, कढ़ाई ली हुई है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड तेल। तो देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें यहाँ पे देखिए मैंने गार्लिक ली हुई है, लगभग 10 कली मैंने ली थी लहसुन की, जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, इसमें हम डाल देंगे। देखिए ग्रीन चिल्ली ली है मैंने यहाँ पे, इसे लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिल्ली ली थी, इसको मैंने इस तरह से काट ली थी, वो भी इसमें डाल के हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया हुआ है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसे भी इस तरह से हम चलाएंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने प्याज लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया था जिसकी मैंने स्लाइसेस काट ली थी इस तरह से। अब इसमें हम इसको डाल देंगे, इसे भी हम फ्राई करेंगे इस तरह से। देखिए इसे हाई फ्लेम में हमें सब करना है, इसको मैंने हाई फ्लेम में प्याज को डाल के लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया इस तरह से। अब इसमें देखिए मैंने शिमला मिर्च ली है, मैंने उसे लंबे लंबे काट लिए हैं, इस शिमला मिर्च को हम इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम में रखते हुए इसे मैंने 1 मिनट के लिए फिर इसे फ्राई कर लिया है। हमारे शिमला मिर्च हल्के क्रंची जैसे हो चुके हैं फ्राई होके, प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया, वो भी इसमें हम डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ली है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसे भी इस तरह से हम फिर चलाएंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, इस तरह से चला लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रेड चिल्ली सॉस लिया हुआ 1 चम्मच, वो भी इसमें हम डाल देंगे। अब से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे हम चलाएंगे। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया, वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसे भी इस तरह से चला लेंगे। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन ली हुई है, हरा प्याज जिसको मैंने काट लिया था, वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसे भी इस तरह से चला लेंगे। यहाँ पे मैंने गोलकी ली हुई है, ब्लैक पेपर, उसको भी हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच। इन सबको हाई फ्लेम में रखते हुए हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे इस तरह से। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है बड़े चम्मच से, इसमें हम पानी डाल के इसे घोलेंगे, पहले एक बैटर जैसा बनाएंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इस तरह से मिला लेंगे इसे बढ़िया से। अब
अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, पहले देखेंगे इसे किस तरह से थिकनेस आती है, एक बार थोड़ा सा डाल के देखेंगे हम और इसे चलाएंगे इस तरह से। इसमें हम ये पूरा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इसमें अच्छी खासी थिकनेस आ चुकी है थोड़ा सा डालने से। अब इसमें हम और नहीं डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच हनी मिलाएंगे। अब इसे हम मिलाएंगे अच्छे से इस तरह से। नमक मैंने 1/2 चम्मच यूज़ किया था क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी सॉसेस यूज़ किए हैं, चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस हमने यूज़ किया है, टमाटो केचप यूज़ किया है, सोया सॉस यूज़ किया है, तो समझ सकते हैं कि काफ़ी फ्लेवर इसमें खुद ब खुद आ गया है, काफ़ी नमक हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी आपको नमक कम लगता हो तो आप इसमें नमक थोड़ा और अपने टेस्ट के अनुसार मिला लीजिएगा। तो देखिए जो हमने यहाँ पे इस पोटैटो को किया था ना, फ्राई किया था, वो अब हम इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से सारे पोटैटो को हम मिलाएंगे अच्छे से। हम थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और डालेंगे, हरा प्याज ऊपर से, थोड़ा इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर या चिल्ली फ्लेक्स ऊपर से आप डाल दें। देखिए हमारे यह हनी चिल्ली पोटैटो रेडी हो चुका है, परफेक्ट बना है। अब इसे हम एक प्लेट देखिए इस तरह से सब हम सर्व करेंगे। हमारे हनी चिली पोटैटो रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी बना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।